आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुखदेव सिंह है जी। कहाँ से हैं सर आप? मैं जी जिला करनाल तहसील निसंग गांव अमूपुर का रहने वाला हूँ हरियाणा में। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं ये बरवाड़ा घटना हुई जो बहुत बड़ी घटना हुई ना इससे 5 महीने पहले जुड़ा था जी। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? आप किन देव देवताओं की भक्ति करते थे? मैं जी सिख समाज में रहने के उसमें ना कल्ले गुरु ग्रंथ साहब कोई मानता था और किसी को नहीं मानता था। गुरु गुरुद्वारे में जाता था और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में सब कुछ जानते थे, थोड़ा बहुत जो जानते थे उसी की भक्ति करते थे, किसी की भक्ति नहीं करते थे। और सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? मैं जी बीमार था, मेरे को इस आंत में जख्म थे, जो दो आंत होती है ना इसमें जख्म थे और लीवर में जख्म थे। लीवर बिल्कुल डैमेज था, कई सालों 10-12 साल मंजी पे रहा। कभी दिल्ली होली फैमिली गया, अंबाला, पटियाला, ये प्रमोद मित्तल, अमर हॉस्पिटल, राजिंद्रा हॉस्पिटल, इनमें कभी 10 दिन एक हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी 10 दिन दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी दिल्ली होली फैमिली में दाखिल रहता था, कभी करनाल अजय गुप्ता में दाखिल रहता था। ऐसे करते करते मेरे को 12 साल बीत गए। एक महीने में 10 दिन तो हॉस्पिटल में दाखिल रहता था और 10-15 दिन उसके बाद सियाने जो झाड़ फूक लगाते हैं बड़े बड़े ये मुसलमान जो जैसे मुजफ्फरनगर हैं, रुड़की, मरेल कोटला, पटियाला, करनाल, जो हमारे साथ के जितने भी सियाने झाड़ फूक वाले थे उनके पास भी जाता था। और मेरी ऐसे करते करते आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन होने लगी। हमारे पास 40 किले जमीन है, 3 भाई हैं। इतना कुछ होते हुए भी पूरा परिवार गलने लग गया, बीमारी में जूझने लग गया। मैं भी एक मंजी पे, मेरी घरवाली भी एक मंजी पे। ऐसे करते करते एक एक दिन में 4-4 मुसीबतें, प्रेत बाधा थी मेरे को बहुत तकड़ी जी, 4-4 मुसीबतें एक एक दिन में खड़ी हो जाती। जैसे मैं भी मंजी पे पड़ा, मैं अपनी घरवाली को बोला भी किसी रिश्तेदार को बुलाओ, मेरे को दाखिल कराओ, अब तो मेरे अंदर पानी भी नहीं जाता। 10-12 साल सर मेरे इतनी तकलीफ थी मेरे को भी, बाथरूम भी मैं बाल्टी में करता था, इतना दुख था मेरे को। हॉस्पिटल में जाते जाते भी जिस डॉक्टर के पास जाते थे कोई बोलता था अभी तेरा लीवर बिल्कुल डैमेज, कोई बोलता था तेरी आंत में जख्म है, कोई बोलता था तेरे पूरे पेट में जख्म है। तो था क्या, मेरे पेट में इतनी तकलीफ थी, मेरे अंदर गर्मी के दिनों में भी गर्म पानी जाता था, रोटी नहीं जाती थी, थोड़ी बहुत खिचड़ी दलिया ऐसे कुछ ना कुछ खाता था या थोड़ा दूध पीता था। ऐसे करते करते मतलब हॉस्पिटलों में सारा घर बर्बाद हो गया। हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, ना हमारे बाप ने दुख देखा ना हमने दुख देखा, 40 किले जमीन थी, बहुत अच्छी खेती करते थे, कंपाइन थी, पूरे का पूरा हमारे पास साधन था। कभी हमने वो दिन नहीं देखा भी आज हमारे पास पैसा नहीं। तो इस प्रेत की वजह से मैंने वो दिन देखा, मेरे पास ट्रैक्टर था सोनाली का, घर की स्थितियां ऐसी बनी जी वो ट्रैक्टर भी बिक गया। मेरे पास गाड़ी थी इंडिका विस्टा टॉप मॉडल में, वो भी बिकी जी। मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल थी जी, वो भी बिकी जी। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे डंगर थे, भैंसें थी, गायें थी, 1 क्विंटल दूध देता था जी। ऐसा ऐसा करके पूरे के पूरे डंगर भी बर्बाद, मेरी गायें भी बर्बाद, भैंस भी बर्बाद, पूरे के पूरे जो साधन था घर में वो भी खत्म। घोड़ी थी मेरे पास बहुत अच्छी जी, वो भी मरी। सारा कुछ ये प्रेत करवाता था, रात को मेरे को बोलता था भी सुबह तेरा ये नुकसान होगा, वो ही हो जाता था। अगर डंगरों के बारे में बोलता था वो हो जाता था, जमीन के बारे में बोलता था अभी तेरे दाने नहीं होंगे तो वो नुकसान होता था, अगर घरवाली के बारे में बोलता था सुबह इसको ये तकलीफ होगी तो वही हो जाती थी। मेरी घरवाली को कालजे में सोजस थी, बहुत ज्यादा एलर्जी थी, वो एक वजह से और ज्यादा परेशान थी कि उस पे दवाई नहीं खाई जाती थी उसे। जब वो दवाई खाती नहीं थी ना तो उसको इतना तेजाब बन जाता था, इतना तेजाब बन जाता था, मतलब इतना सिर में दर्द और तकलीफ इतनी बढ़ जाती थी, 2-2 दिन हमारे घर में खाना भी नहीं बनता था और बच्चे भी बीमार थे। मेरा बड़ा लड़का स्कूल में गया जो 5वीं क्लास में पढ़ता था,
उसको मास्टर छोड़ के गया, बोला अंकल जी इसको बुखार हो गया, बुखार की वजह से करनाल दाखिल करवाया हमने हॉस्पिटल में, तो एक महीना दाखिल रहो, इस ये साइड उसकी सारी बंद होगी, एक महीने के बाद 1.5 लीटर रेशा निकले उसके। और छोटा लड़का था, मैं भी बीमार, मैं बोला मेरी घरवाली को सिर्फ किसी रिश्तेदार को बुलाओ, मेरे को दाखिल कराओ, दिल्ली जाके मैं होली फैमिली में दाखिल हूंगा, अब तो मेरे को बाथरूम भी बाहर नहीं जाया जाता और अंदर कोई चीज नहीं जाती, और पूरी रात प्रेत मेरे को इतना तड़फाता था सर, सिर से लेके पैर के गुंठे तक इतनी तकलीफ होती थी कि मैं मंजी पे रात को पड़ा पड़ा, ना ऐसे हो सकता ना ऐसे हो सकता, पूरी रात मेरा परिवार सोता था, खाता था, दिन में पीता था, रात को सोता था, मैं पूरी रात ऐसे देखता रहता, रोता था, तड़पता था, जो डॉक्टर मेरे को 2 गोलियां देता था ना भी, एक एक अगर तकलीफ हो एक गोली खाना, ज्यादा तकलीफ हो 2 खाना, वो 10-10 गोलियां भी खाता था, बिल्कुल तकलीफ नहीं हटती थी, मेरी घरवाली भी दुखी, मैं भी दुखी, मैं बोला भी मेरे को दाखिल कराओ, घरवाली को मेरी को पेंडस की परेशानी थी, वो बोली मेरे को भी दाखिल कराओ, मेरे को तकलीफ है बहुत ज्यादा। इतने में क्या हुआ, मेरा छोटा लड़का था 6-7 साल का, वो इतना बड़ी ना सोटी लेके खेत में गया, हम खेती करते हैं, तो ड्योल पे ऐसे फिसला ना, उसने मुंह में डाल रखी थी वो सोटी, तो ऊपर ताड़ू में चढ़ गई वो सोटी, इतना ऊपर से मांस फट गया, हम तो अपनी मुसीबत भूल गए, उस लड़के को लेके चले, इतने में एक बैस ने सींग फसा के एक सींग निकाल लिया, 4-4 मुसीबतें वो प्रेत एकदम हमारे साथ, इतना दुख देता था, बोलता था कहां जाओगे, किसके पास जाओगे, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाता। जब हम लड़के को लेके गए तो सारे डॉक्टर करनाल वाले 3 डॉक्टर बोले भी इसका तो अंदर खून पड़ गया और ऊपर टंके नहीं लगते, टंके नहीं लगेंगे तो दिल्ली ले जाओ इसको। फिर एक मिड्डा डॉक्टर है जो करनाल सरकारी हॉस्पिटल के सामने है, वो बोला भी मेन तो है नहीं क्योंकि खून ज्यादा पड़ गया, 30 किलोमीटर से आप गाड़ी में चल के आए तो ऊपर टंके भी नहीं लगते। मैं बोला डॉक्टर साहब चलो करो, मेहरबानी करो, परमात्मा करेगा। उसने ना टंके लगाए, टंके लग गए, जब टंके लगाए तो उसके बाद बच्चे को उल्टी आई, उल्टी से बहुत ज्यादा खून आया, बोला तेरा बच्चा बच गया, चलो कोई बात नहीं। 4-4 मुसीबतें प्रेत एकदम उसकी जगह बना रखी थी, रात दिन दीवा लगाते थे उसका, बहुत पूजा करते थे, करवाता था जबरदस्ती, बोले यहां दीवा लगाओ, वहां दीवा लगाओ, देग लगाओ, सट्टे के नंबर भी मेरे को देता था, जो सट्टे के नंबर देता था वो ही सट्टा सुबह जो मैं नंबर लगाता था ना करनाल, जैसे जींद, कैथल, पेवा भी लगाता था, वो ही नंबर आता था, इतनी पावर थी उस प्रेत में। हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, 150 जी हम परिवार के, तो हर परिवार में एक एक दो दो मेंबर मुसीबत में बीमारी में जूझ रहे हैं। मेरे जोटे ने ना जो मेरा बाड़ा था जहां भैंस रहती थी वो गेट गिरा दिया, तो मैं गांव में गया, मेरी घरवाली बोली रात को डंगर लिकट जाएंगे, बहुत नुकसान करेंगे, तो आप इसको तो बनवाओ। मैं बोलिया मेरे से उठा ही नहीं जाता, इतनी बीमारी भी, मैं मंजी से उठ के बाथरूम नहीं कर सकता, मैं गेट का क्या करूं, मैं तो मरने लायक हो गया, अब तो मैं मरूंगा, तुम्हारा भी घर झाड़ दिया। इस कंगार पे था भगत जी मैं भी, मेरी जमीन बिकने का भी कोई वो नहीं रहा था, अभी मेरी जमीन बिकेगी। सर आप इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहे थे, इतनी सारी परेशानी आपके ऊपर थी, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर था, उन सारी बीमारियों से, परेशानियों से आपको कैसे निजात मिली? मेरे को जी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था जी, भगत था हमारे गांव का, वो भगत मिला, संत रामपाल जी महाराज का भगत मिला, वो मेरे को बोला भी अंकल आप बिल्कुल खत्म हो चुके हो, तो क्या बात, मैं बोला जी मेरे को प्रेतवाद है, वो बोला भी मेरे पास ना संत रामपाल जी महाराज के पास चलो तो वहां तुम्हारा दुख का निवारण होगा। मैं बोला जी इन संतों के पास तो हम जाते नहीं, इन संतों को तो बिल्कुल हम ठीक नहीं समझते, हम तो अकेले गुरुद्वारे को मानते हैं। वो बोला अंकल आपने संत देखे नहीं, मेरे साथ चल तू आपके दुख का निवारण होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं बोले अभी बहुत, मैं तो मंजी से उठने के लायक भी नहीं, मेरे बाथरूम भी नहीं होता, अब मैं कहां जाऊंगा। मेरी घरवाली मेरे बच्चे बोले तो इतनी जगह गया, वार वार 12 साल हो गए तेरे को जाते, एक बार वहां भी चला जा। चलो भगत रामपाल जी महाराज के जो भगत है इतने अच्छे हैं, उसको मैंने नौकर भेजा, वो बुला के लाया, गाड़ी में गए तो मैंने वहां जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, सर नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई या नहीं? हाँ जी, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली ना, तो उसी दिन से नाम दीक्षा लेने से मेरे को ना बहुत 25 पैसे आराम मिला, मेरे को नींद आई, मेरे
शरीर में कुछ राम मिला। राम मिलने के कारण मैं फिर आश्रम में जाता रहा। दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज मेरे को मिले। वो बोले, बेटे ऐसा हो जाएगा जैसे 16 साल का लड़का होता है, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं बोलता, ऐसे कैसे हो जाऊंगा, चलो ठीक तो हो जाऊंगा पर इतना बढ़िया मैं नहीं हो सकता। पर दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी मेरे को 8 दिन में 7 दिन में मिलते रहे, बेटे ऐसे भक्ति कर, बेटे ऐसे नाम मंत्र का जाप कर, बेटे तू ज्ञान गंगा पढ़े कर, कानों में लीड लगा के बेटे सुने कर। मेरे को कई बार संत रामपाल जी महाराज जैसे दिव्य दृष्टि का कारण सा कुछ बनता है साथ में आके, ऐसे मेरे को मिलते और मिलके मतलब मेरे को बताते। दिन प्रतिदिन राम आने की वजह से जब ये कांड हुआ ना, मेरे को 5 महीने हुए थे जब मेरे को थोड़ी सी मुसीबत थी, उसके बाद अब दिन प्रतिदिन मेरे को कोई मुसीबत नहीं। जो मेरी घरवाली थी जिसको कालजे में सोजिश एलर्जी थी, एक दिन भी आश्रम में नहीं गई ना उसने नाम दीक्षा ली है। वो भी दंडवत प्रणाम करती है, फिर उसको भी विश्वास हुआ, मेरे बच्चों को भी विश्वास हुआ। नाम तो उन्होंने लिया नहीं पर लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा उसको परमात्मा की तरह मानते हैं। मेरी घरवाली भी बिल्कुल ठीक, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक, मेरे जो पारिवारिक कोई भी परेशानी थी आज मेरे को कोई भी परेशानी नहीं। मैं ऐसे ही हूं जैसे संत रामपाल जी महाराज बोले थे ना, बेटे 16 साल का बना दूंगा। आज मैं उम्र तो मेरी 47 साल है पर है मैं वैसे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 16 साल जैसा लड़के जैसा ही हूं मैं जी। अब बरवाला जैसी बड़ी घटना हो गई है, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है। सर आज आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के प्रति आपका कैसा भाव है? हाँ जी, इसमें कुछ फर्क है जी। घटना के बाद ये फर्क हुआ जी, मारे को और भी दृढ़ विश्वास हुआ। जो पहले विश्वास था ना 5 महीने पहले, अब मारे को और ज्यादा विश्वास है कि इतना संत, ऐसा संत जो इतने सुख दे सकता है, एक उजड़ा हुआ परिवार जो इतना बिल्कुल खत्म हुआ परिवार को बसा सकता है। और हमारे मेरा ये देख के मेरा पूरा गांव एरिया जो रिश्तेदार है सब बोलते हैं हम संत रामपाल जी महाराज को गलत कैसे बोलें, अगर काले को देखते हैं तो बिल्कुल सही है। जो संत रामपाल जी महाराज है ना, ऐसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा। मेरा जी उससे भी ज्यादा दृढ़ विश्वास है। और मेरे को देख के ये बैठे हैं जी मेरे गाँव के 10-15 भगत, इस कांड के बाद जब से यहाँ नाम दीक्षा मिलती है यहाँ से नाम दीक्षा लेके गए हैं जी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी भगत समाज को मैं यही संदेश तो हमारे परमात्मा का है, हमारे गुरु जी का, मेरा तो एक प्रार्थना है जी कहनी, मेरे भाई हैं, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बहन जैसे हैं, जो भी दुखी है और तो नहीं जुड़ना चाहते, जो दुखी है ना एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपने दुख का निवारण करें, ज्ञान तो उनको अपने आप ही हो जाएगा और उनका सबका भला होगा। किसी को कैंसर हो, किसी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो, किसी का दिमाग खराब हो, मेरे दिमागी हालात भी बहुत खराब थी, तो सबका निवारण संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जितने मैंने 12 साल धक्के खाया ना, शायद ही किसी आदमी ने, शायद ही मेरे जितना बदनसीब आदमी इस दुनिया में होगा। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा।